हेलो दोस्तों, आज हम सीखें एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है और पर भी आपको बहुत कठिन लगेगा। तो दोस्तों, कैसे इसको सोल्व किया जाता है, देखिए। वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने कहीं कहीं क्वेश्चन पढ़ा होगा कि केवल 7 शेष बचे, तो 7 उसको एलसीएम में जोड़ देते हैं। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आपके है कि अलग अलग शेष बचे, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक में सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। देखिए, 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। अब दोस्तों, एलसीएम लेते हैं तो इनका अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, है ना। इसके अपन फैक्टर कर लेंगे। देखो, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 2 4 और 4 5 20, ठीक है। इसके फैक्टर होंगे 5 × 5 = 25, और यहाँ 2 3 6 और 6 5 30, ये इसके फैक्टर हो गए। अब अपन एलसीएम जो लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे भी है, ये कॉमन आ गया। फिर इस वाले 2 को देखते हैं, 2 कहीं पर नहीं है, इसलिए इसको तो लेना पड़ेगा साथ में। फिर इस 5 को देखते हैं, तो दोस्तों 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो ये 5 अपनों ने ले लिया। फिर अपना 1 5 और बच गया, जिसको अपनों को लेना पड़ेगा। 1 3 और बच गया, इसको भी अपनों को लेना पड़ेगा। इनका गुणा कर लेते हैं। देखो, 2 2 4 4 5 20, 20 5 100 100 3 300, तो कितने आंसर आए दोस्तों, 300 आए। आप कहोगे 300 यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा, आप झट से इसको राइट लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, कि इसने एक बात और बता दी आगे। देखिए, ये तो इससे विभाजित होता है, लेकिन फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 13 18 शेष बचे। अगर 20 से भाग दें तो 8 शेष बचे, 25 से भाग दें तो 13 शेष बचे, और 30 से भाग दें तो 18 शेष बचे। ऐसी संख्या आपको फिर निकालनी है। तो पड़ गए ना आपको कंफ्यूजन में। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और आपको और ड्रिल करना पड़ेगा। देखिए, पहले की संख्या 20 है, कितनी है 20, 20 में से इसको 20, और यहाँ की पहला अंक कितना 8 है, तो 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। अगली संख्या अपनी 25 है, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, देखो 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी फिर 12 बचा। अगला 30 में से 18 माइनस करेंगे, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, यानी कि सभी स्थिति में एक समान संख्या बच रही है जो यहाँ पर कॉमन है तीनों में। तो जो 12 बच रहा है, ये 12 इस 300 में से माइनस कर दीजिए आप, तो बचेगा अपना 8, और 9 में से 1 गया तो 8 और 2, यानी कि 288। एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिसको इनमें से किसी संख्या से भाग देने पर अलग अलग संख्या बचेगी, तो 288 अपना राइट आंसर हो जाता है। 288 एक बार चेक करके देखते थे, 20 से भाग लगा देखते थे, देखो 20 से भाग लगाया तो 20 एकम 20 8 बचे, और 20 आठे 20 चौक 80, कितना बचा 8, तो जो बराबर भाग चला गया, और यहाँ कितना शेष बच रहा 8। तो इसने कहा भी है कि 8 शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा 8, तो अपना भाग देने पर 8 शेष बच रहा, यानी कि इसका मतलब अपना पूरा आंसर सही है। आप फिर और से भाग देकर देख लीजिए, 25 से डिवाइड करके देख लीजिए, 13 शेष बचे कि नहीं बचे, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो कि 288 25 से डिवाइड कर लेकर देखते हैं, है ना, 25 से भाग लगा के देख लेते हैं कि 13 शेष बचता कि नहीं बचता। देखो 25 एकम 25, 25 में से 28 में 5 गए तो 8 में 5 गए 3, और 25 से कम 25,
आठ में पाँच गया तो तीन और एक, यानी कि तेरह फिर शेष बच गए। यानी कि यह संख्या 288 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग देने पर बराबर संख्या बचती जाती है। तो अपना 288 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 12, 16 से पूर्ण विभाजित हो जाए लेकिन प्रत्येक दशा में 7, 11, 15 शेष बचे। क्वेश्चन वैसा वैसे ही है, संख्या पहले अपने पास है 8, फिर 12 और 16। अब तीनों का अपन क्या लेना है, LCM लेना है। 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 बचेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 = 6, 6 × 12, और 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 चार बार आएंगे। यहाँ से एक 2 ले लेंगे, ये भी 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2 बच गया। फिर यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ फिर से भी 2 तो 2 हो गया। फिर इस 2 के साथ में यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे संख्या है, ये 2 आ गया। और अब इस 3 के साथ में कोई संख्या नहीं है तो 3 अकेला आ जाएगा और 2 अकेला केवल अलग से आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, 48 इसका LCM होता है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में क्या बचेगा। देखो पहली संख्या क्या है, 8, 8 में से कितना 7 घटाओ, 1 बचेगा। फिर 12, 12 में से 11 घटाओ, 1 बचेगा। फिर यहाँ 16, 16 में से यहाँ घटेगा 15, 1 बचेगा। यानी कि तीनों स्थिति में एक शेष बच रहा, जो शेष बच रहा इसको यहाँ माइनस कर दीजिए 48 में से, तो कितना बचेगा 47, 47 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला 47 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 47 एक ऐसी संख्या बची मिलेगी अपनों से, अपनों को, जिसमें अपन किससे भाग लगाएं। देखिए दोस्तों अगर 8 से भाग लगा के देख लेते हैं तो देखो 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 कितना बचा 7 शेष। तो 7 शेष बचने की कह ही रहा है कि यहाँ पे 7 शेष बचेगा, है ना, भाग लगाए तो 7 शेष बचेगा, है ना। इसी सभी में आप भाग लगाएं तो संख्या बचती जाएगी। तो अपना 47 आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।